हेलो लॉनर्स, कैसे हैं जी आप सब? क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आ जाइए बच्चा, ज्वाइनिंग में ले लीजिए। लेट मी सी, वीडियो शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ अभी तक? आ गई मैडम। इंपोर्ट दिस मैसेज इन व्हाट्सएप ऑल्सो सो दैट वी मोर कम्फर्टेबल ऑल ऑफ यू। हेलो परी की दुनिया, हेलो ललिता, हेलो किरण, गुड इवनिंग चांदनी। गाइस क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? प्लीज टेल, माइट बी पॉसिबल आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? हेलो राजेश कुमार, अच्छा सुन पा रहे हैं? क्लियर है? ओके ओके, मेरे पास अब आई है वीडियो। मैं कह रही थी वीडियो आ नहीं थी देर से। ओके ठीक है। सो गाइस, दिस इज अगेन मी तान्या भाटिया। आई एम यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नंबर वन टॉप एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन एट कैटेगरी वन अनअकैडमी। तो गाइस फटाफट से आप लोग जाइए अपने मोबाइल में अनअकैडमी को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और यहाँ पे मेरे को फॉलो कर लीजिए। वी हैव 20K फॉलोअर्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन एट। आप यहाँ मेरे को फॉलो कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मेरे यहाँ पे स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी। और अगर आप मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए अभी हाल ही में हमारा ये नया बैच आया है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे पेपर टू आप लोगों को पढ़ा रही है तान्या इकॉन और पेपर वन आपको ये दो एजुकेटर्स मिलकर पढ़ाएंगे, नवदीप कौर एंड अभिषेक हिमाचल। तो इसे आप लोग बच्चे एनरोल कर सकते हैं। और गाइस ये सब चीज़ें करने के लिए आप लोगों से मांगेगा एक कोड, मेरा कोड है तान्या लाइव। आप लोगों ने अप्लाई कर देना है TANYALIV। ठीक है, फ्री की क्लासेस देखने के लिए भी अप्लाई करना है, प्लस लेने के लिए भी इसे अप्लाई करना है, क्योंकि इससे आप लोगों का एडिशनल 20% ऑफ हो जाएगा। और गाइस अनअकैडमी पे चल रही है अभी बम्पर ऑफर। बम्पर ऑफर क्या है यार, 6 महीने का अगर आप लोगों तो आप लोगों को यू विल गेट एस 2 मंथ्स फ्री। और अगर आप लोग यहाँ पे लेते हैं 12 मंथ्स का लेते हैं तो आप लोगों को इसके अंदर 2 मंथ्स फ्री मिल जाएंगे। तो 6 मंथ्स के साथ भी आपको 2 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं, 12 मंथ्स के साथ भी आप लोगों को 2 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगी सितंबर 2020 के इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, क्योंकि सितंबर वाले पेपर में कम ही सवाल आए थे, इस वजह से मैं आप लोगों को इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का अलग से भी मैराथन इसी क्लास के अंदर मैं कंडक्ट करूंगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सितंबर 2020 वाला पेपर। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स ना, सभी अपना अपना ज्वाइनिंग ले लीजिए फटाफट से। ओके क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज़ फ्रॉम योर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इसे कर लीजिए बच्चा आप लोग। मार्केट फेलर इज़ कॉज टू दी प्रेजेंस ऑफ, किस वजह से आप लोगों का मार्केट फेलर हो सकता है? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दी एक्सटर्नैलिटीज, पोवर्टी, मार्केट पावर और प्राइवेट ग्रुप। कौन सी चीज़ होगी? हिंदी वाले आप लोग हिंदी में देख लीजिए। बाजार की विफलता की स्थिति का कारण होता है गरीबी, भारी व्यक्ति, बाजार की शक्ति या फिर निजी समाज। क्यों होता है? देखिए कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मार्केट फेल हो रही है ना,
नो, इट इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किस वजह से फेल हो रही है, क्या कारण क्या है उसके फेल होने के। बिल्कुल 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 सेम ऑप्शंस गिवन, बी एंड डी कर दीजिए आप लोगों से, और बताइए घबराने की कोई बात नहीं है। मार्केट फेल होने के कारण में आप लोगों का कौन कौन सी चीज़ें आएंगी जी? मार्केट फेल आप लोगों की हो सकती है इन द कैटेगरी, जब एक्सटर्नैलिटीज प्रेजेंट होती है तब भी मार्केट फेल हो जाती है, मार्केट पावर प्रेजेंट होती है यानी कि कोई मोनोपोली है तब भी मार्केट फेल हो जाती है। सो बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर, एंड बी एंड सी से आप लोगों का बी विल बी द राइट ऑप्शन आपको नज़र आएगा। ठीक है, कट गया क्वेश्चन, एक्सटर्नैलिटी एंड मार्केट पावर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32, 32 इज ऑल्सो फ्रॉम द एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन द मार्केट कॉजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी वाली ये चीज लेकर आने वाला है बच्चे? एडवर्स सिलेक्शन लेकर आएगा, मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ रिसोर्सेज डिमिनिश विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी वेजेस लेकर आने वाला है, या फिर ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम लेकर आने वाला है। ठीक है, बाजार में असीमित जानकारी की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसके कारण है? प्रतिकूल चयन, संसाधनों के एक अतिरिक्त इकाई के समान लाख संसाधनों की इकाई के बढ़ती संख्या के साथ कम हो जाते हैं, दक्षता मजदूरी, या फिर प्रधान एजेंट समस्या के कारण, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, ए बी डी बी सी डी या फिर ए डी या फिर ए एंड सी। देखिए असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या है, जब आप लोग ओल्ड कार मार्केट में गए पुरानी कार खरीदने के लिए, तो सामने वाला बंदा आपसे चीज़ें छुपा लेता है जिसकी वजह से आपके साथ एडवर्स सिलेक्शन हो जाता है और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो दोनों बातें यहाँ पे आप लोगों की सही है, ए एंड डी, और ए एंड डी के हिसाब से बच्चा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप लोगों को सी ऑप्शन इधर ये देखने के लिए मिलेगा सारा। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 53। अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस 2011, विच इंडियन स्टेट हैव द मिनिमम सेक्स रेशियो, विल इट बी पंजाब, दिल्ली, बिहार और हरियाणा? ठीक है, इसके बारे में आपको बताएंगे। अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जो लिंग अनुपात है वो न्यूनतम है, विल इट बी पंजाब, दिल्ली, बिहार और हरियाणा? इस बारे में आपको बताएंगे। मैम क्वेश्चन बिना पढ़े ही आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है ना, आपकी तैयारी इतने अच्छे लेवल की हो गई है कि आपको बिना पढ़े आंसर आ रहा है, क्या बात है क्या बात है। तो बहुत ही सबसे बढ़िया दिया है, सबसे पहले खुशबू ने दिया है इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए लास्ट सेंसस इफ वी टॉक अबाउट 2011 सेंसस की अगर हम लोग बात करेंगे, विच इंडियन स्टेट हैज द मिनिमम सेक्स रेशो, तो मिनिमम सेक्स रेशो बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेगा हरियाणा के अंदर आपको नजर आएगा। सो डी विल बी द राइट आंसर दैट यू विल सी हियर। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 83।
लो जी, पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू क्या बोलते हैं बच्चा आप लोगों से, नंबर ऑफ मेल पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर्स, नंबर ऑफ पर्सन पर क्यूबिक किलोमीटर्स, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर्स, नंबर ऑफ पर्सन पर 10 किलोमीटर्स, ठीक है, क्या बोलेंगे आप लोगों से। जनसंख्या घनत्व को संदर्भित किया जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर पुरुष व्यक्तियों की संख्या, प्रति घन किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, या प्रति 10 किलोमीटर पर व्यक्तियों की संख्या। कौन से वाला ये रहने वाला है, पॉपुलेशन डेंसिटी रेफरेंस टू क्वेश्चन नंबर 82। स्टक हो गई, रिफ्रेश करो, फिर स्टक हो गया तो यहाँ से सबसे चल रहा है। हाँ क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि एक किलोमीटर में, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। दैट कॉन्सेप्ट विल बी नोन एज योर पॉपुलेशन डेंसिटी। सो सी विल बी द राइट आंसर जो आपको इसके अंदर नजर आएगा, देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए, इफ़ आई टॉक अबाउट मुंबई, ठीक है, तो मुंबई में क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा, देखिए यहाँ पे बच्चे आप लोगों को देखने के लिए वाली चीज़ मिलती है कि मुंबई में एक किलोमीटर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको नज़र आएंगे, देखने के लिए रहते हैं, आपको मिलेंगे। सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर है टू बी सी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 53 स्टार्टिंग पर मूव करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ब्लैकर स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डायग्राम, द पोर्शन बिटवीन ए बी एंड सी इम्प्लाइज दैट स्टेजेस ऑफ लो स्टेशनरी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग, अर्ली एक्सपेंडिंग या फिर लेट एक्सपेंडिंग, इसे आप लोग कौन सी वाली कैटेगरी में आप हमें डालेंगे। जनसंख्या वृद्धि आरेख के निम्नलिखित ब्लैकर के चरणों के आधार पर ए बी सी के बीच का भाव क्या स्थिरता के चरण, जनसंख्या में गिरावट, पारंपरिक विस्तार या फिर देश से विस्तार। ए से बी आना और बी से सी आना, ये क्या है, ये आप लोगों की अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज होगी। ब्लैकर की थ्योरी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ब्लैकर स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डायग्राम पोर्शन बिटवीन ए एंड बी सी इम्प्लाइज दैट, कि ये आप लोगों की कैसी है, ये अर्ली एक्सपेंडिंग नजर आएगी आपको देखने के लिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव मूव क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, बस इतना ही था, दैट्स इट। सो गाइस, क्योंकि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एक छोटी सी यूनिट है, तो इस वजह से इसमें इतने ही सवाल आए थे सितंबर 2020 के पेपर में। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में से इतने ही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे गए थे। और टाइम अभी हमारे पास बचा हुआ है, क्योंकि इस बार मेरा जो क्लास है वो 1 आवर का है, राइट। तो अभी मैं आपको एक और मैराथन लगवा रही हूँ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी हम लोग एक और नया मैराथन वाली फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से ही, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, राइट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेमोग्राफिक टूल फॉर एग्जामिनिंग फर्टिलिटी मोर्टालिटी एंड माइग्रेशन बाय पॉपुलेशन इट इज द, क्या है ये,
जनसंख्या द्वारा प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवासन की जांच के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जनसंख्यिकी उपकरण पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन पैरामिड, कैरिंग कैपेसिटी या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ। देखिए ये पता लगाने के लिए कि भाई कितना फर्टिलिटी हुआ है, कितना मोर्टैलिटी हुआ है, कितना माइग्रेशन का पॉपुलेशन हुआ है, ये सारी चीज़ें, तो आप कौन से वाला टूल यूज़ करेंगे? हाय जय कुमार राज, वेरी गुड। द टूल विच यू विल यूज हियर दैट इज़ द पॉपुलेशन पैरामिड। इट इज़ अ बायोग्राफ विच शोज द एज एंड द सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल टू गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी प्लानिंग। देखिए जब भी पॉलिसी प्लान वगैरह करना होता है तो उसके लिए बहुत ये यूजफुल रहता है। व्हाट वाज इंडिया रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या थी? इसके बारे में आप बताएंगे 102, 104, 106 या फिर 105। ठीक है। देखिए इंडिया की जो रैंक है 2019 में, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 2019 में हमारी रैंक रही है 102। एंड इफ आई टॉक अबाउट 2020 की मैं बात करूँ, तो 2020 में हमने काफ़ी तरक्की कर लिया है और हम लोग 94 के अंदर आ गए थे। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इंडिया इज़ रैंक 102 ऑफ 117 कंट्रीज बिहाइंड इट्स नेबर्स नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये सारा आपका रहा है। 17 कंट्रीज इंक्लूडिंग बेलारूस, यूक्रेन, टोक्यो, क्यूबा, कुवैत, ये सारा आप लोगों को आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ 2019, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? विश्व आयु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा माना गया है? गाजियाबाद, होटेन, गुर्जरवाला, दिल्ली। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के हिसाब से विच इज़ दी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? दिल्ली। लग रहा है आपको दिल्ली पर है नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर गाजियाबाद है। ठीक है, सो गाजियाबाद विल बी द राइट आंसर। मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज जो हमारी 2019 की रही है, गाजियाबाद आप लोगों का पहले नंबर पे है, देन चाइना का होटेन है, और फिर गुर्जरवाला पाकिस्तान से, तो दिल्ली है पाँचवें नंबर पे है। ठीक है, तो गाजियाबाद इज द करेक्ट आंसर। Which state in India has the lowest infant mortality rate? भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? इसके बारे में आप बताएंगे मुझे। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और केरला। शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। रीजन तो बहुत साफ ही था कि केरला में आप लोगों का लो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है। भाई किस वजह से लो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन हेल्थ में भी काफ़ी बढ़िया है, तो इसी वजह से यहाँ पे कम ही बच्चे मरते हैं। सो लो विच स्टेट हैज़ पास द रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द सेंटर टू होल्ड द 2021 सेंसस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? किस राज्य ने जाति के आधार पर केंद्र से 2021 की जनसंख्या
जनगणना करने का अनुरोध करने वाले प्रस्ताव को पारित किया है, कौन है वो? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार? Which state has passed a resolution requesting the center to call the 2021 census on the basis of caste? Yes, so guys, Bihar is absolutely correct answer. जो आपके मन में चल रहा था, बिहार ने बोला कि भैया कास्ट वाइज क्या करवाया जाए, कास्ट वाइज यहाँ पे सेंसस होल्ड होना चाहिए 2021 के हिसाब से। द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कंसर्न्स चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर, कौन से बर्थडे से पहले? बाल मृत्यु दर उन बच्चों के लिए चिंता का विषय है जो उनकी मृत्यु से पहले, मतलब कब मर जाते हैं, पहले से, दूसरे बर्थडे से पहले, दूसरे पाँच, या फिर एक से चार, या फिर एक से नौ, फर्स्ट से सेकंड जन्मदिन, सेकंड से फिफ्थ जन्मदिन, फर्स्ट टू फोर्थ, या फिर फर्स्ट टू नाइन्थ जन्मदिन। देखिए चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अगर आपको कंसर्न करना है तो इसमें हम लोग लगभग जो डाटा लेते हैं वो फर्स्ट टू फोर्थ बर्थडे तक का हम लोग लेते हैं, ठीक है। डिफाइन एज द टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 1 to 4 इयर्स पर 1000 पॉपुलेशन ऑफ द सेम एज इन अ गिवन ईयर एंड ज्योग्राफिकल रीजन, जो भी मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, तो वो सारा आपको देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हिंदू ग्रोथ रेट, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विकास दर के बारे में सही है? अच्छा, जिनके पास भी वीडियो क्लियर नहीं आ रही ना, तो आप लोग ऊपर जाइएगा, तीन डॉट होंगे आपके पास, और वहाँ पे जाके मेगापिक्सल अपना हाई कर लेना, इट शुड बी हाई, उससे क्लियर हो जाएगा आपकी वीडियो। हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में बताओ मुझे, भी कह रहे हैं कि अगर हम लोग हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में बात करें, देन इट रिफ्लेक्ट्स लो ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी 1950 to 80। तो 1950 से 80 के बीच दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कम विकास को क्या करेगा जी, ये प्रदर्शित करेगा हिंदू ग्रोथ रेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदू ग्रोथ रेट वाज कॉइंड रेफर टू अ फिनोमिना ऑफ स्लगिशनेस, किस तरीके से हम लोग इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे स्लगिशनेस कर रहे थे, 3.5% के साथ हमारी यहाँ पे ग्रोथ रेट थी। दिस टर्म विच ओज टू द प्रोफेसर राजकृष्णन मेंबर प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर हैं उनके साथ एसोसिएट करती है। हाउएवर ऑफ द लेट द टर्म हैज लॉस्ट इट्स रेलिवेंस एंड अपील इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन इंडिया सिंस 1990 मैनिफेस्टेड इन ट्रिपलिंग ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम दिस कंट्री लेवल। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ UNEP? UNEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? समान विकास, इक्वल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिडक्शन इन टेम्परेचर, या फिर तापमान में कमी, सतत विकास। UNEP का मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ UNEP?
देखिए UNEP का जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास लेकर आना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँगी, आज की नीड्स को पूरा करना और इस तरीके से उसको पूरा करना है बाय टेकिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर, जो फ्यूचर जनरेशन है उसे भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इस तरीके से आपने कंप्लीट करना है आज की जनरेशन को, ठीक है, आज की जनरेशन के नीड्स को इन्फेक्ट के, तो इस तरीके से आप लोगों का ये होगा। लो बच्चे अगला सवाल कर लीजिए आप लोग। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी स्टेट्स दैट अ कंट्री बिकम्स इंडस्ट्रियलाइज्ड, कब बनेगी कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड? UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, 1972 में एस्टैब्लिश किया गया था, 1972 में, सो दैट इज द। हेलो आशा, स्टेट्स दैट एज अ कंट्री बिकम इंडस्ट्रियलाइज, जैसे जैसे कंट्री इंडस्ट्रियलाइज हो गई, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम हाई लेवल ऑफ इमिग्रेशन, डेथ रेट डिक्लाइन, देन द बर्थ रेट डिक्लाइंस, पॉपुलेशन चेंजेस कॉज बाय लार्ज शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द बर्थ रेट, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग डेथ एंड द बर्थ रेट ऑन टोटल पॉपुलेशन। जनसंख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में कहा गया कि जैसे ही एक देश औद्योगिक हो जाता है तो प्रवास के स्तर के परिणाम स्वरूप सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, मृत्यु दर में गिरावट आती है और फिर जन्म दर में गिरावट आती है। जन्म दर में बड़े अल्पकालिक परिवर्तनों के कारण जनसंख्या परिवर्तन, कुल जनसंख्या पर बदलती मृत्यु और जन्म दर का प्रभाव। कॉलेज बच्चा आप इसे दे दो, तुम थोड़ा थोड़ा ए बी सी डी कुछ छोड़ना है चाहिए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी स्टेट्स दैट एज अ कंट्री इंडस्ट्रियलाइज, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइज वो होगी। ओके बहुत ही बढ़िया, आपको दिखा देते हैं। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही आता है सो वी विल मूव टुवर्ड्स बी वाला। बी वाले में क्या था कि डेथ रेट आप लोगों की डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है एंड बर्थ रेट आल्सो डिक्लाइंस, सो दैट्स व्हाई बी विल बी द राइट आंसर। मतलब जैसे जैसे देखो यार, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से हम लोग मूव करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं, तब लोगों को समझ आ गई है दैट कि भाई ज़्यादा बच्चे पैदा करने से क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इकोनॉमी के अंदर। दे आर इजली यस दे नो दे वेरी वेल नो दिस थिंग कि क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या दिक्कत आएंगी, सब इनको ये बातें पता लगती हैं। रेफरेंस पीरियड फॉर द न्यू नेटल मोर्टालिटी रेट इन इंडिया कितना होता है? आइए पूछा था आपसे, भारत में नवजात मृत्यु दर के लिए संदर्भ अवधि क्या है? 3 months after birth, 1 month after birth, 28 days after birth, none of the above। जन्म के 11 महीने बाद, जन्म के 4 महीने बाद, जन्म के 28 महीने बाद, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है देखिए रेफरेंस पीरियड जो हमारा रहेगा न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट का, 28 दिन तक जो बच्चा है ना उसको बहुत ध्यान से अंदर कस्टडी रखा जाता है कि भाई कहीं उसकी डेथ ना हो जाए, ठीक है, तो उसको यहाँ पे रखते हैं नंबर ऑफ देखना पड़ता है 28 ईयर्स ओल्ड तक का, सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
सवाल करने से पहले स्टार्ट कर देना रिकॉर्डिंग। सितंबर 2020 के क्वेश्चन भी हुए, इसके अलावा अभी हम लोगों ने ये भी कर लिया अपना 10 क्वेश्चन वो कर लिए एनवायरनमेंट के, और 10 क्वेश्चन अभी और करेंगे। विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन? किस देश में अधिकतम वरिष्ठ नागरिक जनसंख्या है? जापान, जर्मनी, इटली, स्पेन। चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? अभी आपको लिंक दे रखा है, और जितने भी लोग लाइव हैं तो यार वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो, इतनी मेहनत लगती है एक लेक्चर लेने में, तो मेक श्योर कि वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिया कीजिए आते ही। अनअकैडमी का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा तो आपको बताइए तान्या इकॉन के नाम से टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। TANYAECON
फिर मेरे को ये बताओ कि नेचुरल इंक्रीज क्या होता है? What is natural increase? Kavya, like, thank you. देखिए नेचुरल इंक्रीज में नेचुरल मतलब क्या होता है, जिस चीज़ के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, प्राकृतिक है ना। तो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्थ एंड द नंबर ऑफ डेथ, एक ही चीज़ ऐसी है जिसका इंसान पे कोई जोर ही नहीं है, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते हम। वाई वी टॉक व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर हम लोग बात करते हैं बर्थ रेट के बारे में बात करते हैं या हम लोग डेथ रेट के बारे में बात करते हैं, तो एक ही चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर कहीं कोई किसी तरीके का जोर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद गाइस अगला सवाल देखिए, विच स्टेट इज सेट टू बिकम सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बाय 1 मई 2020? 1 मई 2020 तक किस राज्य को एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त बनाने की तैयारी की गई है? गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश? कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल इसको 1 मई 2020 तक प्लास्टिक फ्री बनाएंगे? गुजरात दे रहे हैं सारे जवाब। मोदी जी का गाओ ओके, पर ऐसा है नहीं। करेक्ट आंसर आप लोगों का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र लाइकली टू बैन प्लास्टिक कम्प्लीटली इन मार्च 2020, इस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था। सो सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है आप लोगों की इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की आदर्शन और रीजन का। Parties to a dispute over property rights will be able to negotiate an economically optimal solution. There are efficient commodity market and there are no transaction cost. अभी कथन संपत्ति के अधिकारों पर विवाद के लिए पक्ष आर्थिक रूप से इष्टतम समाधान पर बातचीत करने में सक्षम होंगे। कुशल प्रतिस्पर्धी बाजार है, कोई लेन देन लागत नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों बातें सही हैं बट आर इज नॉट गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसके बारे में आपको सोच के बताना है। सोचेंगे तो एक थ्योरम लगती हुई आपको नजर आएगी इसके अंदर। उसी के बारे में सोच के दर्शन रीजन का जवाब देना है आपने। गॉस थ्योरम सुनिए भाई, क्या होती है गॉस थ्योरम? देखो ये फैक्ट्री वाला रिवर पल्यूट कर रहा है, ये भाई साहब यहाँ पे घर है, इनको भी रिवर का पानी इस्तेमाल करना है, ये तो पल्यूट कर रहे हैं और ये भाई साहब घर के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं इस पानी को, तो क्या करें, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो फैल ही रही है, क्या कर सकते हैं ऐसे में। ऐसे में अगर ये दोनों पार्टी आपस में बातचीत कर लेती है
नेगोशिएट कर लेते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, डू दी नेगोशिएशन, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके बात बात कर लेंगे तो एक्सटर्नैलिटी रुक सकती है ना। तो पार्टी टू अ डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी राइट विल बी एबल टू नेगोशिएट एन इकोनॉमिकल ऑप्टिमल सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। देखिए कभी जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो पुलिस वाले सबसे पहले सजेशन क्या देते हैं, भाई साहब आपस में निपट लो, आपस में नेगोशिएट कर लो, कोर्ट वोट जाओ, खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपस में ही आप एक दूसरे के साथ अगर नेगोशिएशन कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। एंड इस काम को करने के लिए दे आर एफिशिएंट कॉम्पिटिटिव मार्केट और कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉस्ट पर। तो दोनों बातें सही हैं, इस गिविंग द करेक्ट आंसर एंड ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। लो जी, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जरूर ही पता होना चाहिए दैट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड 5th of June करते हैं हम लोग इसे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को और वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका 11 जुलाई को। सो डी विल बी द राइट आंसर। और एवरी टाइम दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कमिंग योर पेपर, 2019 में भी आया था, जून 2019 में, 2013 में भी आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैचिंग कर लिए ना। आप ध्यान रखिएगा सारा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे आप लोगों का 22 मार्च, और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है दैट इज ऑन दी 11th of July है ना। अगला सवाल, द हेडोनिक प्राइस मेथड मेजर्स द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल असेट्स थ्रू। एनवायरमेंटल हेडोनिक मूल्य विधि के माध्यम से पर्यावरण की संपत्ति के मूल्य को मापता है। यूजिंग एक्सिस्टेंस ऑफ एन एनवायरमेंटल असेट्स यूजिंग वैल्यूएशन ऑफ ग्रीन हाउस प्राइसेस यूजिंग WTPA। देखो ये WPT किया क्या होता है, विलिंगनेस टू पे, WTA वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल असेट्स। तो कौन से वाला आपका हो जाएगा? पहले भी मैंने कई बार बताया है दैट एच मीन्स हाउस, एच फोर हाउस, छोटे बच्चों को याद कराते हैं ना, एच फोर हाइड्रोनिक, एच फोर हाउस घर, उसी तरीके से आपको याद करना है। इसका काम क्या है, इट विल यूज द लिंकेजेस बिटवीन द वेरिएशंस ऑफ इन हाउस प्राइसेस के बारे में ये बताएगा। सो दैट इज करेक्ट आंसर है टू बी बी, ठीक है। द डेथ ऑफ अ वूमेन ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर प्रेगनेंसी इज रेफर्ड टू एज गर्भावस्था के दौरान या उसके तुरंत बाद एक महिला की मृत्यु को निम्न के रूप में जाना जाता है, फीमेल मोर्टैलिटी, बर्थ मोर्टैलिटी, इन्फेंट मोर्टैलिटी या फिर मैटरनल मोर्टैलिटी। महिला मृत्यु दर, जन्म मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर या फिर मातृ मृत्यु दर। शॉर्टली आफ्टर प्रेगनेंसी
देखिए कई बार ऐसा होता है कि माँ ने जन्म दिया बच्चे को और उसके बाद वो मर गई किसी न किसी वजह से, तो वो जो डेथ होती है आफ्टर डैथ, वो आप लोगों का मेटरनल मोर्टालिटी कहलाती है, लेकिन मातृ मृत्यु दर आप उनसे बोलेंगे दे विल बी दी करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मेटरनल डेथ इन अ गिवन पीरियड पर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन वो आर एक्टिव एज तो उसके हिसाब में उसको विच हैज बिकम द फर्स्ट एनडीए रूल स्टेट दैट एज पर द रेजोल्यूशन टू नॉट इम्प्लीमेंट द नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स एंड आरसी। कौन सा पहला एनडीए शासित राज्य बन गया है जिसने नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्ट्रार एंड आरसी को लागू नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया है? विल इट बी हरियाणा, विल इट बी हिमाचल प्रदेश, विल इट बी बिहार, विल इट बी त्रिपुरा? देखिए त्रिपुरा बना है आप लोगों का फर्स्ट डेट दैट हैज पास्ड रेजोल्यूशन टू नॉट इम्प्लीमेंट नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन, तो इन्होंने इसको नहीं किया है त्रिपुरा स्टेट, ठीक है। सो गाइस ये है हमारा आज का लास्ट और नंबर क्वेश्चन। हु प्रोपाउंडेड द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन? विद टॉप 10 विनर्स भी मैं लूंगी इसके अंदर। फर्स्ट नंबर पे हैं अजय कुमार राज, सेकंड पे मीना किचन, थर्ड पे बबली करो, फोर्थ पे है ज्योति, फिफ्थ पे सुमन, सिक्स पे है भूषण, सेवन पे खुशबू। और एट पे है वंदना, नाइन्थ पे, नाइन्थ और टेंथ विनर्स, एट पे वंदना शर्मा, नाइन पे आशा, टेन पे रिशु कुमारी। सो गाइस दीज ऑल आर दी अवर टॉप 10 विनर्स फॉर दिस सेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हु प्रोपाउंडेड द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन? किसने दिया है जी थ्योरी को? दिया बच्चे कैनन ने दिया है, ठीक है। कैनन ने इसको प्रोपाउंड किया है, करेक्ट आंसर है टू बी कैनन। सो गाइस आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, एंड वेन एवर यू आर कमिंग ऑन प्लस डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड तानिया लाइफ। एंड गाइज कोई भी दिक्कत हो आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे असिस्टेंट पिक करेंगे इस नंबर पर जो भी कॉल व्हाट्सअप आप करेंगे, और अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर इंपॉर्टेंट थिंग्स, मेरे से आपसे बात हो जाएगी। एंड गाइज 20% डिस्काउंट आपको मिल जाता है, क्रेडिट्स भी अप्लाई करने हैं, कोड भी अप्लाई करना है, और बम्पर ऑफर तो अभी पता ही है आपको, अकेडमी का 6 महीने का लोगे तब भी 2 महीने एक्स्ट्रा, 12 महीने का लोगे तब भी 2 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। नया बैच अभी हमारा 7 जुलाई को ही शुरू हुआ है। पेपर टू इज टीचिंग बाय तानिया इकॉन एंड पेपर वन इज टीचिंग बाय नवनीत कौर एंड अभिषेक कुमार, जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग कर सकते हैं। और गाइस थैंक यू, वो बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। अन अकेडमी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर मुझे सर्च कर लीजिए, यहाँ पर आपको बड़ी सारी फ्री की क्लासेस और पेड कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फ्री की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल गेट हियर, ठीक है। और तानिया एक के नाम से आपको मेरा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल मिलेगा, तो दोनों को जाके आप लोगों ने